नमस्कार मित्रों, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज एक चीज़ पर चर्चा करना आवश्यक समझा, इसलिए आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। मैं यह कार्य पहले भी बताना चाह रहा था, समय के अभाव में नहीं बता पाया, लेकिन अभी जो है आवश्यक है यह बताना। मित्रों, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आज के वर्तमान स्थिति में हमारे देश नहीं, हम अपने राज्य बिहार को लेकर के चिंतित है और व्यथित हैं। आज मजदूर दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज मजदूर दिवस है और आज मजदूर किस स्थिति में है, क्या परेशानी झेल रहा है, क्या समस्याएं उनके साथ हैं और कितने परेशान है वो। मैं जानता हूं बड़े लोग हैं जिसके पास पैसे हैं, जो घर में बैठे हुए हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन फ़र्क उनको पड़ता है जो बाहर में हैं, जिनके पास खाने पीने का साधन नहीं है, सुबह खाता है तो शाम को क्या मिलेगा उस पर चिंता कर रहा है, अगर उसके पास बच्चे हैं तो वो क्या खाएंगे उस पर चिंता कर रहे हैं। जैसे कि हमने देखा है बहुत सारे फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे आ रहा है कि बिहार सरकार कुछ नहीं कर रही है प्रवासी मज़दूरों को लाने के लिए, जो अपने अपने बिहार के मज़दूर है, छात्र हैं, छात्राएँ हैं और भी पर्यटक है, या जो इलाज कराने के लिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसे, चेन्नई जैसे जगह जाकर के फंस गए हैं, उस समय उनके लाने के लिए बिल्कुल सरकार जो सकारात्मक कदम उठाना चाहिए वो नहीं उठा रही है। उसका आलोचना भी हर जगह हो रहा है, इसमें कोई वो नहीं है, बहुत तरह की आलोचनाएँ सरकार को झेलनी पड़ रही है, बट ऐसा कर क्यों नहीं पा रहे हैं सरकार। सबसे बड़ी बात यह है, सोचने वाली बात है कि सरकार आखिर ऐसा क्यों नहीं कर रही है। झारखंड सरकार आज तेलंगाना सरकार से बात करके, ट्रेन चलवा करके अपने 1200 लगभग 1200 मजदूर को बुला लिया। कोटा से भी ट्रेन चलवाने की मांग करी है और कोटा से भी स्टूडेंट आएंगे और भी जगह से, कई जगह से बात चल रही है जहाँ से वो करने जा रहे हैं अपने मजदूर को, अपने छात्र को, छात्राएं को बुलाने के प्रयास में हैं और सफल भी हो रहे हैं। क्या कारण है कि हमारे बिहार नहीं बुला पा रहे हैं? और सीधे शब्दों में हमारे नेता, जो हमारे बिहार के जो नेता है, स्पष्ट शब्दों में ये कह रहा है कि हम उस योग्य है ही नहीं कि हम बुला पाएं। हमारे बिहार सरकार के नेता कह रहे हैं, कई मंत्री, कई सांसद तो कह रहे हैं अपने पैसे से आ जाओ, अपने पैसे से आ जाइए। कहीं कह रहे हैं जो जैसे गया कमाने के लिए गया है, अपने लिए गया है, सरकार के लिए कमाने थोड़ी ना गया है, जो सरकार लाएगी आप अपने आ जाओ। बड़े नेता कह रहे हैं कि हम सक्षम नहीं है, बिहार सक्षम नहीं है कि हम आपको ला सके। अब प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि बिहार सक्षम आखिर है क्यों नहीं? बिहार दूसरे जगह, बिहार के लोग जाकर के दूसरे स्टेट को सक्षम कर देता है, सक्षम बना देता है, और बिहार सक्षम क्यों नहीं हुआ अभी तक? 15 साल पहले, उसके 15 साल पहले चलते हैं, जगन्नाथ मिश्रा जी की सरकार थी। उस समय में जगन्नाथ मिश्रा जी के सरकार में कम से कम इतना बड़ा पलायन नहीं हुआ था। चीनी मिल चल रही थी, बहुत सारे चीज़ अच्छा चल रहा था, हाँ लाइट की, सड़कों की हालत इतनी बढ़िया नहीं थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ ऐसा था जो उपलब्ध था। लालू की सरकार आई, लालू की सरकार में सड़क का हाल, डेवलपमेंट की जो कंडीशन थी वो नहीं हो पाया, बद से बदतर हो गया, बहुत तरह की बातें ऊंचीच किया गया। चलो ठीक है, 15 साल उन्होंने भी अपने राजनीति के बल पर, या तोड़ जो राजनीतिक जाति पाति जिसके भी बल पर रहा, 15 साल उन्होंने अपने सरकार को चलाया, ठीक है 15 साल उन्होंने अपने सरकार, अभी वर्तमान सरकार उन्होंने भी 15 साल पूरे किए, और 15 साल में 10 साल सिर्फ विपक्षी को ही कोई भी काम हुआ, विपक्षी को कोसते रहे कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने ऐसा नहीं।
लेकिन बिहार के जनता ने 15 साल